हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घर घर की कहानी विद कंचन। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए ब्यूटी टिप्स में बहुत ही अच्छी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लिपस्टिक लगाना बताऊंगी, वो भी लिक्विड लिपस्टिक, किस तरीके से लगाएं कि हमारा लिपस्टिक 24 घंटे तक लगा रहे, 24 नहीं तो 12 घंटे तो ज़रूर से लगा रहे। हर कोई कहता रहता है कि 24 घंटे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। हाँ, 12 आवर्स या 6 आवर्स तक तो टिका ही रहता है हमारा लिपस्टिक। तो किस तरीके से टिका रहेगा और लिक्विड लिपस्टिक किस प्रकार से लगाएं कि आपका क्रैकीपन ना आए, स्मच प्रूफ ना हो, जैसे स्मच ना हो और जैसे हो जाता है फटाफटा सब, वैसा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको लिपस्टिक लगाने के पहले अपने फेस को और लिप्स को थोड़ा अच्छे से धोना है। आप वीक में एक बार ज़रूर से अपने लिप्स को स्क्रब किया करिए। स्क्रबिंग ना हो तो आपके पास तो आप शक्कर ले लीजिए, चीनी, उससे थोड़ी सी स्क्रबिंग कर लिया करिए वीक में एक बार, बहुत ही है। तो चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये मामाअर्थ का लिप बाम है। आपके पास कोई भी लिप बाम हो फ्रेंड्स, तो ज़रूर से पहले इसको अप्लाई करना ना भूले। और उसके साथ साथ और क्या क्या अप्लाई करना है मैं सब कुछ बताऊँगी। तो पहले आप ये देखिए फाउंडेशन लिप रख लीजिए। तो पहले हम लिप बाम का प्रयोग करते हैं। लिप बाम से आपके होंठ काले नहीं होंगे और ये मामाअर्थ का लिप बाम है, बहुत ही अच्छा है। इसे आप लिप्स पे, चिक्स पे और आईज पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, नेचुरल है। इस थोड़ा हाँ इसको अपने लिप्स को इसमें चेरी है जिससे आपके लिप्स खराब नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो कभी भी लगाने के पहले आप लिप बाम को जरूर से प्रयोग करिए और थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट दें इसको। अब हम इसको फाउंडेशन लगाएंगे इस पर। जब भी फाउंडेशन लगाएं आप लिप बाम के बाद ही लगाएं फ्रेंड्स, पहले लगा लेंगे तो आपके लिप्स ख़राब हो सकते हैं फाउंडेशन, क्योंकि नेचुरल नहीं होता, जितना भी लोग कहें बट नेचुरल नहीं होता। थोड़ा आपके अलग एरिया में भी लग जाए तो पूरा प्रॉपर मैं इसको फुला लेती हूँ कि अलग ना लगे हमारा फेस। तो मैंने अभी आउटलाइन नहीं किया, मैं इसी कलर से ही आउटलाइन करूँगी, क्योंकि अगर हम दूसरे कलर से करने लगते हैं तो ऑकवर्ड से लगता है। तो मेरे पास आउटलाइनर नहीं है इस कलर का, तो इसी से मैं करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, यह हमारी आउटलाइन हो गई इस कलर से। अब मैं दूसरा कलर लूँगी, इसी से मिलता जुलता ही कलर आप लें। जब भी अगर दो मैचिंग लिपस्टिक आपको लगानी है और आपका ड्रेस उस टाइप का है तो, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरी लिपस्टिक एकदम क्या मैं कहूँ, बहुत ही ये सस्ती लिपस्टिक है, ये नहीं कि बहुत ही महंगी है। लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगी 50-60 रुपीज़ की। तो इसे हम ब्रांडेड बना दिए बस एक लिप बाम और फाउंडेशन की सहायता से। अभी थोड़ा इसको ड्राई होने देते हैं फिर देखते हैं। अब हम थोड़ा सा ये पाउडर लेंगे वाइट टोन, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको मैट लुक चाहिए तब पाउडर लें, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब मुझे थोड़ा इसको चलिए अब ट्राई करते हैं कि ये लिपस्टिक हटती है या क्या होती है। बिल्कुल नहीं हटेगी। आप सुबह से शाम तक काम करिए, कुछ करिए, ये लिपस्टिक आपके होठों पे जैसी की तैसी रहेगी, नेचुरल फिनिक्स लगेगी और बहुत ही सुंदर और हैवीनेस नहीं लगेगी आपके लिप्स पे। आप कुछ भी खाइए पीजिए बिल्कुल नहीं हटेगा फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर से दबाया करिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।